मनी गुरु में आज हम बात करें औरतों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की, और इस पर हमारे साथ आज है पूजा भिंडे। पूजा, 40 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग की स्ट्रैटेजी कितनी चेंज हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है बच्चों की, उनकी पढ़ाई और फिर उनकी भी प्लानिंग, यहाँ पर क्या करें? जी अगेन, 40 साल 10 साल बाद अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा है, गलत नहीं है, आपके पास अभी भी 20-25 साल बाकी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हमने जो 10 साल पहले शुरू किया होता तो वो आपको जहाँ 1 करोड़ रुपया 1500 की सिप दे सकता था, वो आपको 1500 की सिप 40 ईयर्स में अगर हमने शुरू की तो अराउंड 22 से 25 लाख के बीच में देगा। सो वो हाफ से भी कम है। बेसिक फंडा यही है स्वाति कि कंपाउंडिंग जो है वो आपको मिलता है, तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको बाद में ज़्यादा मिलता है जितना ज़्यादा रखें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी 40 पे भी आप शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा आप उसको रिटायरमेंट की तरफ डालते जाइए। ऑल राइट, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन 50 में अगर या 50 to 60 में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रही है, लास्ट मोमेंट पे आप अगर आप प्रिपरेशन करें रिटायरमेंट की, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी कितनी चेंज होनी चाहिए अब? जी देखिए, अगर आपने 30-40 में देखा तो कुछ फंड्स जो हमने कहे, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स जो मैंने कहे, वो हमने इसीलिए अग्रेसिव फंड्स लेते क्योंकि हमारे पास 20-30 साल का समय था। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, जो 55 प्लस और 4-5 साल है उनके पास, या एकदम 60 पे उनको लगता है कि अब मुझे कुछ रिटायरमेंट के लिए सोचना है, तो उनको अपना पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव रखना पड़ेगा। वो ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं ज़रूरी, आपको ज़रूरी, आप उसको बैलेंस फंड में डालिए, लार्ज कैप फंड्स में डालिए, आप कुछ उसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डालिए, आप सीनियर सिटीजन के लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं MIPs वगैरह आप उसमें डालिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपको वहाँ वो टाइम पे भी आपको कहीं किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने रखे हुए हैं पहले के, उसको सही जगह पे बेसिकली डालना है ताकि वही आपको काम आ सके अगले कुछ सालों के लिए, जब तक आप आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तब तक। Alright, और कुछ फंड्स अगर ऐसे एज ग्रुप में सजेस्ट कर पाए जहां पर एक अच्छा रिटर्न भी मिले, तो वो कैसे फंड्स होंगे? अगेन, अगर FD में भी जा रहे हैं हम, क्योंकि मैंने कहा सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, सिर्फ हम म्यूचुअल फंड नहीं सजेस्ट कर सकते हैं एट दी एज ऑफ 60। तो आप FDs में करें तो उनको भी सीनियर सिटीजन के हिसाब से 0.5% ज़्यादा मिलता है। PPF में अगर आपने डाला हुआ है तो वो पैसा भी आपको जो मिलता है उसको आप कुछ पेंशन प्लान्स में डाल दें, जैसे LIC के पेंशन प्लान्स हैं, जीवन अक्षय, वो आपको मंथली पेंशन देगा। फिर बैलेंस फंड डालना एक वंडरफुल ऑप्शन है क्योंकि वो आपको इक्विटी का भी लुफ्त आप वहां पे उठा सकते हो। आप उसमें SWP ऑप्शन डालें कि आप उसको हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें आपको टैक्स भी काफी आपका इसमें सेव हो सकता है। All right. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, आप आपके प्लानर के साथ बैठिए जो आपको जानकारी दे कि आपका टैक्स भी बच सकता है, आपको मंथली आपका इनकम भी देगा वो, और आपके लिए एक सेफ और सिक्योर इंस्ट्रूमेंट रहेगा। और एक हाउसवाइफ 60 साल के बाद कैसे एक स्मूथ लाइफ स्पेंड कर सकती है और अपनी तमाम इच्छाएं पूरी कर सकती है, सेविंग्स की शुरुआत करनी और अलग अलग अगर इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालने हो तो उसका क्या तरीका है बहुत क्विकली? जी, हाउसवाइफ के लिए जैसे मैंने कहा, उनको ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके हस्बैंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स कब मैच्योर होने वाले हैं, उनको इन्वेस्ट करने के लिए वो इन्वेस्ट मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए वो डाल सकती है। सेकेंडली खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब वो अकेली है, तो उनके हस्बैंड की इंश्योरेंस का जो पैसा है उसको वो यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़रूरी है स्वाति कि आप कोई भी टाइम पे आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, आप टैक्स सेवी रहे ताकि बुढ़ापे पे आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। आपको बैंक भी जाना हो तो आपको टैक्स सेवी हो गए ना, तो आप ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। Absolutely. तो मैं यही कहूंगी कि आप डरिए नहीं वो टाइम पे, लेकिन आप प्रोएक्टिव हो जाइए। प्रोएक्टिव और समय के साथ आगे बढ़ना एक्चुअली हर किसी के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, और इसलिए तमाम लेडीज अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है किसी भी एज में, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। और हर एक स्टेज के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग हमने बहुत डिटेल में आपको बताई है। थैंक यू सो मच पूजा भिंडे हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।